हाय, मैं विपिन वैभव। वेलकम टू इंग्लिश कोर्स। आज लेक्चर टू में हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ स्पीच को जानेंगे। द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एवरी सेंटेंस हैज़ अ ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि पहले हमने पिछले सेशन में बताया था, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट से ही कोई भी वर्ड बनता है, वर्ड से ही कोई भी पैराग्राफ बनता है, ऐसा हमने बताया था पिछले सेशन में। अब क्या है, अगर कोई भी वाक्य है, कोई सेंटेंस है, बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं बन सकता है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। विषय, वह व्यक्ति अथवा वस्तु जो कुछ कर्म करता है या कर्म से संबंधित है। कर्ता का गहरा संबंध वाक्य के विषय से होता है। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। अब सब्जेक्ट जो है, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य से गहरा संबंध या उससे संबंधित हो, वही सब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट, वह व्यक्ति अथवा वस्तु जो कार्य से प्रभावित होता है। वर्ब साधारणतः ऑब्जेक्ट से पहले आता है। नीचे में हमने जो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, किसान खेत जोत रहे हैं। अब कौन खेत जोत रहे हैं? किसान। किसान क्या है? यहाँ हमने यहाँ बताया कर्ता का गहरा संबंध वाक्य के किसी विषय से हो सकता है। गहरा संबंध तो यहाँ किसान का ही है खेत से। तो आपका यहाँ पर किसान क्या है? सब्जेक्ट है। खेत आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ आपका जोतना जो है, ये आपका वर्ब है, क्रिया है। इस वाक्य में कर्ता किसान है जो कार्य कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट खेत है जो क्रिया के कार्य योजना से प्रभावित हैं। कुछ उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर वाक्य लिया है, रोहित एक गीत गा रहा है। कौन गीत गा रहा है? रोहित। तो रोहित आपका क्या है? सब्जेक्ट है। रोहित क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। तो गीत आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। माँ खाना पका रही है। कौन खाना पका रही है? माँ। तो माँ कार्य कर रही है। माँ आपका यहाँ सब्जेक्ट है। क्या कर रही है? खाना पका रही है। खाना आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम इंग्लिश सीख रहे हैं। कौन? हम। हम इंग्लिश सीख रहे हैं। हम आपका यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। मनीष अपने कपड़े धो रहे हैं। कौन कपड़ा धो रहा है? मनीष। तो मनीष आपका क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। क्या कर रहा है? कपड़ा धो रहा है। कपड़ा आपका क्या है? कपड़ा आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने फिल्म देखा। किसने फिल्म देखा? मैंने। तो यहाँ मैंने क्या है? सब्जेक्ट। क्या किया? फिल्म देखा। फिल्म आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। अब पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द के भेद। हम लोग जो शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके कितने भेद हैं, किस प्रकार से उस भेद का उच्चारण किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, वो जान सकेंगे। पहला जो है नाउन, हमने यहाँ पे इसको पार्ट किया है थोड़ा सा। आपको प्रनंसिएशन करना, फोनेटिक यानी कि बोल आसान हो जाए। नाउन संज्ञा, वर्ब क्रिया, प्रनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम संज्ञा नाउन की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी वस्तु अगर है तो वो क्या है? नाउन है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, ताजमहल, राहुल, पटना। ये सारे के सारे आपकी क्या हैं? नाउन है, संज्ञाएं। प्रनाउन सर्वनाम। अब कहा जा रहा है संज्ञा के बदले आए हुए शब्द को उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन
आर वर्ड्स यूज इज प्लेस ऑफ नाउंस. सपोज डैट अगर हम एक लड़का का बात कर रहे हैं, राहुल मनीष का बात कर रहे हैं, और उसके बारे में हम बार बार उसका नाम हम ना लेकर वो कह रहे हैं, यानी कि उसके बदले में अगर हम नाम लें वो भी चलेगा, लेकिन हम नाम लेकर नहीं बार बार वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो संज्ञा के बदले में मैं कुछ और कह रहा हूँ. जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सी हर सेल्फ हिम सेल्फ अस हु दिस इटीसी. तो यानी कि संज्ञा के बदले में नाउन के बदले में जो वाक्य हम लोग यूज करते हैं वही क्या होता है, प्रनाउन होता है. ओके, नेक्स्ट वर्ब क्रिया. किसी वस्तु या चीज के विषय में कहने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वही शब्द क्रिया कहलाता है. जैसा कि हमने अभी बात किया, किसान खेत जोत रहा है या जोत रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, जोत रहा है किसको, खेत को, तो वो क्रिया वर्ब आपका जोतना जो है क्या है, वो वर्ब है. वर्ब इज अ डूइंग वर्क, यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, दौड़ रहे हो, खाना खा रहे हो, लिख रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, वर्ब है, क्रिया है. ओके, नेक्स्ट एडवर्ब क्रिया विशेषण. अब क्या है, आप जो क्रिया करते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ता तो सब है, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ता सब है, लेकिन सबका पढ़ना डिफरेंट डिफरेंट है. कोई तेज़ी से पढ़ता है, कोई धीरे पढ़ता है, कोई काफ़ी तेज़ है. तो जो भी कोई क्वांटिटी होता है, इक्वालिटी होता है, किसी भी चीज़ को यानी कि विशेषण किया जाता है. दिस वर्ड्स गिव एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस. तो जैसे स्लोली बहुत ज़्यादा धीरे चलता है या है धीरे, रिपेडली इजली सैडली, ये सारा आपका क्या है, एडवर्ब है. एडजेक्टिव किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं. अब इससे पहले हमने नाउन कोई व्यक्ति वस्तु और प्रनाउन यानी कि नाउन के बदले में अगर हम कुछ और प्रयोग करते हैं वो आपका प्रनाउन है. एन एडजेक्टिव गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रनाउन. फॉर एग्जाम्पल अब वह बहुत सुंदर है, सी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, फैंटास्टिक, टेस्टी, जेंटल, क्वान्टिटी. या फिर वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हैं, तीन लड़के खड़े हैं, चार लड़के खड़े हैं, यानी कि हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी कि कुछ बेहतर कह रहे हैं. तो ऐसा कोई भी वाक्य हो, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में विशेषता बता रहे हैं तो वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन संबंध बोधक. अब संबंध सूचक अव्यय वह शब्द या शब्दों का समूह है जो आमतौर पर किसी संज्ञा या सर्वनाम के बदले स्थित किया जाता है, और वह प्रीपोजिशन उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्द से प्रदर्शित करता है. मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, वो पेन हमने रखा टेबल पर. अंग्रेजी में कह सकते हैं दिस पेन इज ऑन द टेबल. अगर हमने कहीं पर रखा, कहीं पर है, तो वो आपका क्या है, प्रीपोजिशन है. किसी भी चीज़ के बारे में संबंध बताता हो, रिलेशन बताता हो, और प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस इज द रिलेशनशिप इज स्पेशल टेम्परल और डायरेक्शनल. तो ये सारे आपकी प्रीपोजिशंस हैं. कंजंक्शन समुच्च बोधक जब दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्च बोधक कहते हैं. दोज वर्ड्स विच डज द जॉब ऑफ ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेज और पार्ट ऑफ सेंटेंसेज
आर नो एज अ कंजंक्शन। कोई भी चीज़ अगर जुड़ रहा है, जैसे सीता और गीता, भागलपुर और पटना, तो किसी भी चीज़ को अगर जोड़ता हो, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ा स्टेशन है, वहाँ से ट्रेनें जो है अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, तो वहाँ एक जंक्शन का स्थापना होता है जो कि वहाँ जोड़ता है उस चीज़ को। तो फॉर एग्जांपल बट एंड एट और ETC, ये सारा आपका क्या है, ये कंजंक्शन है। नेक्स्ट इंटरजेक्शन, वह वाक्य जिसमें गहरी अनुभूति हो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे किसी को सरप्राइज देना, अचानक हम जाते हैं उनको सरप्राइज देते हैं। द सेंटेंसेज विच यूजेज एक्सक्लामेटरी मार्क विद द वर्ड आर वर्ड्स आर नो एज इंट्रोडक्शन इंटरजेक्शन। अगर आपने किसी को सरप्राइज दिया, आश्चर्यचकित किया, जैसे कि कोई व्यक्ति हमें अचानक अचंभित कर दिया, तो वाह ओ कहते हैं, तो वो आपका क्या है, इंटरजेक्शन है। हमेशा इंटरजेक्शन के साथ एक्सक्लामेशन पॉइंट का यूज होता है, जो कि ये आप देख पा रहे हैं। तो आगे के सेशन में हमने जो ये पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात किया, हम लोग एक एक करके प्रत्येक सेशन में एक एक जो भेद हैं सबके बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक्स।